हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स। देखिए, क्लास नाइन्थ फिजिक्स में जो कल हमने वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और फर्स्ट टू एग्जांपल्स को कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री से मोशन चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, सपोज दैट हियर इज द होम ऑफ अब्दुल एंड ही इज गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज स्मॉल डी। ओके, देन द एवरेज स्पीड इन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, होम से स्कूल जाने की जो एवरेज स्पीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ये केस वन हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट केस को भी लेकर के चलना, आगे हम बाद में करेंगे। तो देखिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन डी टी वन, कितना टाइम लग रहा है, टी वन टाइम लगा होम से स्कूल जाने में। ओके, टी वन टाइम, डिस्टेंस डी है और एवरेज स्पीड है 20। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज स्पीड कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20, डिस्टेंस डी एंड टाइम टी वन। तो यहां से टी वन की जो वैल्यू आएगी, दैट इज डी अपॉन 20, इक्वेशन नंबर वन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, केस टू में आते हैं। केस टू के अकॉर्डिंग अब्दुल इज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू होम। तो बेटा, जब स्कूल से घर पर वापस आएंगे तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, टाइम, और वो कह रहा है कि ड्यू टू द लेस ट्रैफिक द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, अगर इस ट्रैफिक नहीं है तो मान लीजिए कि टाइम आपकी बार चेंज हो गया और टी टू टाइम लगा है। कितना टाइम लगा, टी टू टाइम स्कूल से घर आने में। तो फ्रॉम स्कूल टू होम, ये मैंने यहां पर जो है केस टू में लिख दिया। फ्रॉम स्कूल टू होम में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस अब की बात डी तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम टेकन, टाइम हमने कंसीडर किया है इस बार टी टू, एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 है। तो टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी डी अपॉन 30 इक्वल टू टी टू। क्लियर है स्टूडेंट? तो टोटल टाइम जो मिलेगा, अब देखिए लास्ट फाइनली जो हम कवर करेंगे क्वेश्चन में, अब क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, के आने जाने की जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड कीजिए। तो पहले आप लिख लेंगे यहां पर टोटल टाइम इन हिज ट्रिप, उसकी ट्रिप में जो टोटल टाइम लगा वो कितना है। तो स्टूडेंट, वो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, यही तो आएगा टोटल टाइम। इसके बाद एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट, जाते टाइम भी डिस्टेंस डी कवर किया है और आते टाइम भी हम उसने जो है डी ही डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस डी, और टोटल टाइम हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, और यही आपको फाइंड करना है। टू डी अपॉन टी वन प्लस टी टू करेंगे तो डी अपॉन 20 प्लस डी अपॉन 30 हो जाएगा, डी अपॉन 20 प्लस डी अपॉन 30। अब देखेंगे स्टूडेंट, 2D अपॉन 20 और 30 का जो LCM है वो यहाँ पर लेंगे, दैट इज 60, और स्टूडेंट ये 20 है, 20 का टेबल पढ़ेंगे 60 के लिए, तो 3 टाइम्स जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगी D की, तो ये आ जाएगा 3D। इसी तरह से 30 का टेबल पढ़ेंगे 60 के लिए, तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई D से होगी, तो 2D आ जाएगा। जो सबसे नीचे होता है डेनोमिनेटर में, वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आएगा आपका, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेंगे, 2D into 60 अपॉन 2 प्लस 3, दैट इज 5D। ओके, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 को, तो आ जाएगा 12, और 12 टू 20,
किलोमीटर पर आर। ओके, तो एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप इज 24 किलोमीटर पर आर। तो स्टूडेंट इसमें आपको दो केस बना करके जो है इसको सॉल्व करना होगा, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और देखिए स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार, इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। ये जो है जो केसेस वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस ही जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में देखेंगे, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए क्वेश्चन वगैरह रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इसमें, तो जब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दैट इज यू इक्वल टू जीरो। ऑन अ लेक एसिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेट्स वर्ड आ गया, तो एसिलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। तो टाइम हो गया यहां पर हमारा 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस टाइम में जो बोट है वो कितनी दूर जाएगी यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमें निकालना है यहाँ पर एस। तो स्टूडेंट एस है हमारे पास, टी हमारे पास है, यू हमारे पास है, तो यानी एस हमें फाइंड करना है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि सेकेंड में डिस्टेंस भी होता है और टाइम भी होता है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें फाइंड करना है, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इंटू टाइम, टाइम 8 प्लस हाफ, इंटू एसिलरेशन 3 है और टाइम 8 का स्क्वायर है। देखिए 8 इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 64, और ये डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, 96 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन द गिवन टाइम इंटरवल इज 96 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आप ये सभी क्वेश्चंस को जो है करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वैसे तो ये है कि मैं सभी क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अब आता है यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एक बार इसको जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आर, तो ये हो गया हमारा स्पीड, अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एसिलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एसिलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक्सिलरेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ मालूम है, कि जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं या साइकिल से आप आ रहे होते हैं, तो आप ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप अगर आगे जा रहे हैं तो साइकिल क्या करेगी, पीछे की तरफ फोर्स पुश कर लगा रही है, मीन्स वो होता है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद कार क्या होगी, रुक जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, दूसरी जो कार है वो 10 सेकेंड्स में रुकती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, स्पीड वर्सेज टाइम। देखिए स्पीड और टाइम का ग्राफ मैंने आपको बताया था जब हमने ग्राफ पढ़े थे, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, जो आपके पास PDF है उसमें यह है, तो उसको एक बार देख लेंगे। Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? तो आपको जो है ये बताना है कि कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ब्रेक अप्लाई होने के बाद। तो दो केसेस बनेंगे इसमें, एक तो फर्स्ट कार के लिए केस वन, सेकेंड कार के लिए केस टू। तो फर्स्ट कार के लिए जो जो चीजें गिवन है वो आप लिख लेंगे और वहां से आप डिस्टेंस निकाल देंगे, क्योंकि टाइम आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है। ओके, तो आप एस निकाल देंगे और कौन सी इक्वेशन लगाना, थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से आप, क्योंकि टाइम आपके पास है तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। इसमें भी आप सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, लगाएंगे और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें भी एस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको।